हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, शेयर बाजार में हाहाकार की स्थिति है। सेंसेक्स में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, 2200 से ज्यादा अंकों की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी में भी भारी गिरावट है। सूचना यह मिल रही है कि 700 से ज्यादा 2400 से ज्यादा की गिरावट हो गई है। आप सोचिए जरा किस तरीके के हालात बने हुए हैं। दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट, और देखिए भारत के बाजार पर भी इसका रुख साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए मृत्युंजय सिंह के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, शेयर बाजार से और क्या जानकारी मिल पा रही है अभी आपको? जी अखिलेश, बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है और ये दुनिया भर में ये पूरा ट्रेंड देखा जा रहा है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 2450 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, और एनएससी भी 10,000 के नीचे आ गया है। 9,800 पर निफ्टी है, और ये सीधा सीधा जो असर है ये कोरोना वायरस का सीधा असर बाजार पर पड़ा है। अमेरिकी और जापान के बाजार भी गिरे हुए हैं, उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा हुआ है। कोरोना वायरस ने जिस प्रकार से दुनिया के सभी 100 से अधिक देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित किया है, इसका सीधा परिणाम पड़ा है। और देखिए, तमाम जो देश हैं, भारत सहित बहुत से देश हैं जो दूसरे देशों से आने वाले लोगों का या अपने ही नागरिकों का वीजा रद्द कर रहा है, इसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है, 2450 अंकों की गिरावट। और पिछले अगर 7 दिन के ट्रेंड की बात करें तो गिरावट कुछ दिनों की छोड़ दिया जाए तो अधिकतर गिरावट 1000 अंक से अधिक ही देखी गई है, और सीधा सीधा असर बाजार पर पड़ा है। कोरोना वायरस की वजह से सीधा सीधा बाजार पर असर पड़ता दिख रहा है। जी मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, बहुत बड़ी खबर है, शेयर बाजार में हाहाकार की स्थिति है। जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आप देखिए किस तरीके से गिरावट का रुख है। निफ्टी में 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट आ चुकी है। ये देखिए सेंसेक्स 2434 अंकों की यहां पर गिरावट, इस वक्त 33,253 पर सेंसेक्स है। शेयर मार्केट खुलते ही धड़ाम हुआ, सेंसेक्स में भी गिरावट, निफ्टी के बारे में हमने आपको जानकारी दी। दरअसल अमेरिकी और जापानी शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। यह कोरोना का साइड इफेक्ट आपके सामने। तो कुल मिलाकर मृत्युंजय, जो स्थिति नजर आ रही है, ये कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस से ना सिर्फ लोगों की जान जा रही है बल्कि अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल हो रहा है। बल्कि बाजार के लिए भी और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा जानलेवा साबित हो रहा है। 3 वजहें जो जानकार हैं वो बता रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल कारण हो गया ये कोरोना वायरस का, और उसकी वजह से पूरी दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे हैं। अमेरिकी शेयर बाजार और जापानी शेयर बाजार गिरने का संकेत सीधा सीधा मिलता है कि भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरा एक रीजनल मार्केट है, भारत में भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। यस बैंक का मामला हो या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर खबरें आ रही हो, ये तमाम रीजनल फैक्टर्स भी होते हैं। कोरोना वायरस के मामले भारत में भी बढ़ रहे हैं, मुंबई शहर में भी कल पुष्टि हुई कि 2 मरीज पाए गए हैं, तो ये जो खबरें आती हैं वो रीजनल फैक्टर है, वो उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। तो बिल्कुल, और एक बड़ा फैक्टर जो नजर आ रहा है वो कोरोना वायरस है, और उसकी वजह से आप देखिए क्या हालात बने हुए हैं। अभी एक और ताजा अपडेट आपको हम दे दें, सेंसेक्स में 2500 अंकों की गिरावट हो गई है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।